वेलकम टू एक्सट्रीम शील रैंडमाइजर गाइस। यार पिछले एपिसोड में यार द मास्टर द पोकेमोन मास्टर गाइस एस केचम ने यार मेरे को हरा दिया था। ठीक है, ऑब्वियसली गाइस एस केचम को हरा पाना यार बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैंने एस केचम के साथ एक बार नहीं गाइस कम से कम दो बार फाइट करा, बट स्टिल गाइस मेरे को डिफीट मिला। ठीक है, एंड आज फिर से गाइस चैंपियन वर्सेस पोकेमोन मास्टर एश हो रहा है। गाइस मैं इस रीजन का चैंपियन हूं, एंड गाइस एस केचम तो भगवान है यार। कल एक भाई ने कमेंट भी करा था यार, एस केचम बाप बाप होता है और बेटा बेटा। यस, एस केचम इज नो डाउट द फादर ऑफ पोकेमोन ट्रेनर्स। यार सही में बहुत बढ़िया बंदा है ब्रो। हम लोग यार पोकेमोन को प्यार करने लगे एस केचम के कारण। बट गाइस आप लोगों ने ही मेरे लिए एक टीम चूज कराया, एंड उस टीम में काफ़ी खतरनाक वाले पोकेमोन को भी आप लोगों ने चूज कराया। तो उस खतरनाक वाले टीम में होगा गार्डियोवर। ठीक है, तो बहुत सारे भाई लोगों ने गार्डियोवर को चूज करा, तो डेफिनेटली गाइस आई एम गोना पुट गार्डियोवर दिस टाइम। गाइस मेटाग्रॉस के जगह मैं गार्डियोवर को रखना चाहूंगा, एंड देन गाइस यस मुझे एक प्रॉपर इलेक्ट्रिक पोकेमोन चाहिए था पिकाचू के अगेंस्ट भेजने के लिए। गाइस आई एम गोइंग टू सेंड आउट, नहीं लुकारियो को रखते हैं, हेक्सोरस को भी रखेंगे शायद से। आई थिंक मुझे ड्रैगनाइट को यार सोच नहीं पा रहा हूँ, चलो ड्रैगनाइट को रिप्लेस कर देते हैं, एंड इंटेलियन को हाँ रिप्लेस करना पड़ेगा। इंटेलियन को रिप्लेस करने के लिए इधर आ रहा है गाइस स्वैम्पार्ट। यस गाइस एक वाटर ग्राउंड टाइप पोकेमोन, एंड ये काफ़ी बढ़िया वाला डैमेज दे पाएगा। आई डोंट नो गाइस मैं इस टीम से कर पाऊंगा कि नहीं। अगर मैं इस टीम से नहीं कर पाता हूँ फिर गाइस मेरे लिए और एक ऑप्शन है, एंड दैट ऑप्शन इज गाइस बहुत सारे भाई लोग मेरे को बोल रहे थे गेंगार को प्लेस करने के लिए, एंड गाइस जेनेसेक को प्लेस करने के लिए। एंड आई थिंक गाइस मैं जेनेसेक को भी ले सकता हूँ। ठीक है, बिकॉज जेनेसेक इज वेरी स्ट्रॉन्ग गाइस, वेरी स्ट्रॉन्ग। ये मेरे चैंपियन टीम का हिस्सा था, आप लोग को याद होगा। ठीक है, तो चलो गाइस पहले ये देखते हैं। ठीक है, 100 लेवल के हैं, तो चलो गाइस आई एम वेरी मच रेडी, एंड अब मजा आने वाला है। तो गेम को एक बार सेव कर लेते हैं, एंड देन गाइस चलो यार चैंपियनशिप बैटल के लिए जाते हैं। यार आई एम वेरी मच एक्साइटेड, सो डू यू गाइस। आई नो आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे हो आज के मैच के लिए। प्लीज़ अभी तक अगर लाइक नहीं किए हो लाइक कर देना। कल वाले वीडियो में रेस्पॉन्स काफ़ी बढ़िया मिला था, आज वाले वीडियो में भी आप लोग बहुत ही कमाल का रेस्पॉन्स देने वाले हो मुझे पता है। ठीक है, यकीन के साथ बोल सकता हूँ। तो चलो गाइस जाते हैं। गाइस मैं स्टेडियम पे आ चुका हूँ, मेरा पहला मुकाबला तो गाइस एस केचम के साथ नहीं हो रहा है, फोबियस के साथ हो रहा है, बट दूसरा मुकाबला शायद से गाइस एस केचम के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो चलो गाइस अपने टीम को भी टेस्ट कर लेते हैं कि कितना पावरफुल बन चुके हैं मेरा टीम। लेट्स फाइंड आउट गाइस। अच्छा ये है फोबियस, गाइस ये है कौन यार, ये लड़की भी काफ़ी खतरनाक होने वाली है। माई स्पॉन्सर इज हियर वॉचिंग मी टूडे, आई कैन हैव ए पैथेटिक बैटल। अच्छा स्पॉन्सर इज हियर वॉचिंग मी टूडे, ये कोई सेलिब्रिटी वेलिब्रिटी होगी क्या, मतलब स्पॉन्सर कर रही है यार इनको। एंड यार एक स्ट्रॉन्ग ट्रेनर को ही कोई लोग स्पॉन्सर करते हैं यार। लेट्स फाइंड आउट यार। जिम चैलेंजर वेगा, इनका नाम वेगा है। अच्छा फोबियस ने वेगा पेलीपर को भेजा, ठीक है मैं भेज रहा हूँ गाइस स्वैम्पार्ट को। ब्रो ये स्वैम्पार्ट ना काफ़ी बढ़िया पोकेमोन है यार, सीरियसली यार। इसका मेगा इवोल्यूशन आप लोगों ने देखा है कि नहीं यार, इसका मेगा इवोल्यूशन में तो गाइस अपना स्वैम्पार्ट बॉडी बिल्डर बन जाता है ब्रो, एकदम फुल जाता है यार, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो चलो गाइस व्हाट आई एम गोना यूज इज आई एम गोना यूज एवलैंस। ठीक है, ये प्रोटेक्ट यूज़ कर रहे हो रे पॉप रे, 56 लेवल का ही है क्या, लेकिन इसने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया यार, एंड मैं एवलेंस मार नहीं पाया। और राइट गाइस आई एम गोना यूज एवलेंस अगेन, अब तो लगेगा स्केल यूज़ कर रहा है ब्रो। स्केल मेरे ऊपर काम नहीं आएगा दोस्त, बिकॉज मैं खुद एक वाटर पोकेमोन हूँ रॉक। ओ स्केल से यही एक टेंशन होता है कि यार स्केल से बर्न हो जाता है। ठीक है, एंड यार एवलेंस मारा था मैंने, पेलीपर बच गया, लेकिन यार तो आप लोग खुद से ही सोच सकते हो अगर पेलीपर बच गया है डैट मीन्स गाइस क्या ड्रैगनाइट भी बच जाएगा ब्रो। अब तो मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है। चलो वाटर प्लैच यूज़ करते हैं इसके ऊपर, इसको उड़ाते हैं प्रोटेक्ट। अरे यार ये प्रोटेक्ट मूव काफ़ी खतरनाक है यार। ऑल राइट कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं वाटर प्लैच यूज़ कर रहा हूँ, बट इसने अपने आप को फिर से प्रोटेक्ट कर लिया है। ओके मुझे तो बर्न डैमेज मिल ही रहा है ब्रो। ओके कमान ब्रो स्वैम्पार्ट टू कर सकता है ब्रो, वाटर प्लैच यूज़ कर। अब खत्म, अब तो पहली बार ख़त्म। ओके अब देखते हैं इनका दूसरा पोकेमोन कौन सा होने वाला है यार। मैं गाइस अभी भेजूंगा, देख लेते हैं ये कौन सा पोकेमोन भेजेगा, मैं फिर देख करके भेजूंगा सेस्मिटो। चलो जी अब राइचू का पावर देखने को मिलेगा आप सभी भाइयों को। ठीक है लेट्स गो राइचू कम ऑन। तो गाइस स्वैम्पार्ट को मैंने वापस बुला लिया है, एंड राइचू तू जा यार। पिकाचू के साथ गाइस अगेंस्ट राइचू को भेजना विल बी अ बेटर ऑप्शन गाइस, बढ़िया फाइट होने वाला है यार।
Seismitoad is a very powerful water Pokemon, ठीक है, बहुत ज़्यादा powerful water type Pokemon है, but guys, Raichu is much more stronger, ठीक है, मैं Electro Ball मारूंगा इसके ऊपर, and ये बचेगा, what? ये क्या हो गया? ये ग्राउंड वाटर है क्या ब्रो? पर ऐसा कैसे हो सकता है यार? इसके ऊपर इलेक्ट्रिक हमले कैसे नहीं लगे यार? What is happening man? इलेक्ट्रो बॉल लगेगा नहीं कि नहीं? हाय? मतलब ये हो क्या रहा है गाइस? ये Seismitoad तो वाटर टाइप पोकेमन है, बट इसके ऊपर ये ग्राउंड वाटर है क्या? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये ग्राउंड वाटर ही है? चलो गाइस, मैं डीग यूज कर रहा हूँ, अब देखते हैं। ओह गाइस यार, ये आर्ट को यूज कर रहा है, मेरे को फटका पड़ेगा ब्रो, जमीन के अंदर हूँ फिर भी गाइस मेरे को फटका पड़ेगा, एंड Seismitoad ने मेरे को उड़ा दिया यार। गाइस ये Seismitoad तो काफ़ी पावरफुल है यार, अगर गाइस मैं यार वेगा को हराने में इतना वक्त लगा रहा हूँ तो आप लोग खुद से सोच सकते हो कि यार एस कच्चम को कैसे हरा पाएंगे। गाइस गार्डियावर इज हियर, गाइस आप लोगों ने ही चूज करा था गार्डियावर को। चलो गाइस आप इसके ऊपर साइकिक यूज करते हैं, लेट्स डू इट, कम ऑन। गार्डियावर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन, एंड गार्डियावर कर लेगा मुझे पता है। एंड नाइस यार, एक ही शॉट में उड़ा दिया यार, दिस इज द पावर ऑफ गार्डियावर, ठीक है। ऑलराइट, आप देखते हैं इनका तीसरा पोकेमॉन बर्स्क्वेडा। यार मैं गार्डियावर को ही रखना चाहूंगा, ठीक है। हियर ही इज गाइस बर्स्क्वेडा, गार्डियावर कम ऑन। वैसे गाइस मुझे गलेट ज़्यादा अच्छा लगता है यार, गार्डियावर इज मच स्ट्रॉन्गर देन गलेट, बट मुझे लगता है गलेट भी स्ट्रॉन्ग है यार। गलेट और गार्डियावर में से गाइस कौन स्ट्रॉन्ग है गाइस? यार वोटिंग करा था, उस वोटिंग के अनुसार तो मेरे को ये देखने को मिला दैट गाइस गार्डियावर इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन, आप लोग को गार्डियावर ज़्यादा पसंद है, बट गलेट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग यार, गलेट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड आई थिंक गलेट, एक गलेट इसके पास भी था ना, स्टीवन के पास स्विच पोकेमॉन, ना ना स्विच नहीं करेंगे ब्रो, इनके पास सारे कैसे वाटर पोकेमॉन नहीं क्या? अच्छा गाइस ये मकरी वाटर टाइप पोकेमॉन काफ़ी बढ़िया है यार, आर्क्वेनेट। चलो मैं थंडर पंच यूज करूँगा, एंड गार्डियावर फिर से वन शॉट ही बोल लिया यार, खत्म खत्म। ऑलराइट गाइस, ये इनका लास्ट पोकेमॉन था क्या? देख लेते हैं। नहीं नहीं, ये इनका लास्ट पोकेमॉन नहीं हो सकता है, और भी एक पोकेमॉन होगा इनके पास फॉर श्योर। हाँ 11 डोज, चलो जी 11 डोज के साथ भी पंखा कर ही लेंगे। ओके मे बी ये 11 डोज को यार डायनामिक्स करा देगी, आई डोंट नो यार, क्योंकि हाथ में डायनामिक्स बैन है कि नहीं, हाथ में तो इनका डायनामिक्स बैन है नहीं, बट देखते हैं गाइस। मैं फिर से गाइस थंडर पंच ही यूज़ करूँगा। ओ नहीं, ये डायनामिक्स नहीं कराएगी, ये ख़त्म यार, जीत गए गाइस, जीत गए, बहुत ही आराम से जीत गए। अब गाइस एस कैचम को हराना पड़ेगा गाइस, क्या गाइस आज हम एस कैचम को हरा पाएंगे? मैंने थोड़े बहुत चेंजेस करे अपने टीम में, देखते हैं। ऑफ ऑल द डेज टू लूज आई लूज टूडे, ओके। अब इनको स्पॉन्सर पैसा नहीं देंगे, ठीक है। आई गेट इन ट्रबल इफ आई लूज टू मच, दे से इट डैमेजेस द कंपनीज ब्रांड, देख रहे हो? गाइस फाइनली वक्त आ चुका है गाइस, फिर से गाइस एस कैचम के साथ मुझे मुकाबला करना पड़ेगा, एंड मुझे अभी डर लग रहा है यार, मैं क्या करूँगा? एक मिनट, गार्डियावर को मैंने ये, ओके ठीक है, चार्जर्ड को एक आइटम दे देना पड़ेगा ब्रो, एक आइटम ऐसा देना पड़ेगा जिससे कि फायर टाइप मूव्स के पावर बढ़े, ठीक है। एंड मैं गाइस एवालेंस को हटा रहा हूँ, यहाँ पे एवालेंस की जगह आइस पंच को रख रहा हूँ, ठीक है। ऑलराइट गाइस, एंड और एक चीज़ गाइस, कोई और पावरफुल आइस टाइप मूव है क्या? आइसी विन, आइसी विन 55 का डैमेज देता है यार, आइसिकल स्पीयर 25 का डैमेज मैन, नो नो नो, ब्राइन इज वाटर टाइप मूव ब्रो, ब्राइन इज ए वाटर, एवालेंस 60 का डैमेज, एवालेंस तो था, आइस फेंग 65, ओके मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ब्रो, नहीं ब्रो आई थिंक यार गार्डियावर के साथ मैं पंगा कर लूँगा, मुझे बस चार्जर्ड को एक आइटम दे देना पड़ेगा, ठीक है। आई एम गोना गिव चार्जर्ड समथिंग वेरी ओपी, ये चील, ये क्या है, बर्न ड्राइव, एक कैसेट टू बी हेल्प बाय जेनेसेक, इट चेंजेस जेनेसेक टेक्नोब्लास्ट मूव सो इट बिकम्स फायर टाइप, अच्छा वाओ। एंड ये चील, एक कैसेट टू बी हेल्प बाय, इट चेंजेस जेनेसेक, ओए जेनेसेक क्या टाइप भी, शॉक ड्राइव ब्रो, जेनेसेक क्या टाइप भी बदलता है क्या? मेरे पास जेनेसेक है, हाँ गाइस मैं जेनेसेक को लेकर के आ सकता था। चलो स्मोक बॉल, इट एनेबल्स होल्डर टू फ्ली, ओके लिटियोस नो फोकस बैन, नहीं ब्रो क्या दूं यार। गाइस मैं ये फ्लेम ऑर्ब दे देना चाहूँगा गाइस चार्जर्ड को, ठीक है, क्योंकि अगर
चार्जर्ड के ऊपर कोई अटैक करेगा तो उस पार्टिकुलर पोकेमन को बर्निंग डैमेज मिल जाएगा, ठीक है। एंड गाइस हियर वी गो गाइस, अगेन गाइस एस केचम के साथ बैटल, यार यार पोकेमन मास्टर वर्सेस पोकेमन चैंपियन गाइस। ओह नो गाइस, वैसे गाइस मैं तो सिर्फ गला रीजन का चैंपियन हूँ, ये तो यार इसने यार हर एक रीजन को एक्सप्लोर करा है यार एस केचम ने। एंड पहला पोकेमन ड्रैगनाइट है, मैं पहला पोकेमन स्वैम्पर्ड को भेज रहा हूँ, ये आप लोगों का ही चॉइस था। आई डोंट नो गाइस मैं ड्रैगनाइट को कितना फटका दे पाऊंगा कितना नहीं, बट स्टिल गाइस आई एम गोना यूज आइस पंच। ये ड्रैगन डांस यूज कर रही है, अपने अटैक को बढ़ा रहा है गाइस। शिट गाइस, ये अपने अटैक को बढ़ा रहा है, बट मुझे लग रहा है कि स्वैम्पर्ड का जो आइस पंच होगा ये काफी खतरनाक होगा। लेट्स फाइंड आउट। वन शॉट बोल्टे ब्रो, ये पहली बार हुआ है कि गाइस, मतलब लास्ट टाइम भी मैंने एक आइस टाइप मूवी मारा था ड्रैगनाइट के ऊपर। ब्रो ब्रो यार स्वैम्पर्ड यू आर वेरी पावरफुल, कम बैक। अब मैं भेज रहा हूँ गाइस गार्डिवर को सरफेच के अगेंस्ट, ठीक है। अब मजा आने वाला है ब्रो। ओके सरफेच, क्या गाइस आज मैं एस केचम को हरा दूंगा? नहीं नहीं अभी कुछ भी नहीं बोल सकते, देखते हैं गाइस। गार्डिवर यार ऑब्वियसली एक्सपेंडिंग फोर्स मारेंगे तो यार सरफेच तो बचेगा नहीं। डिटैक यूज कर लिया, नहीं ये अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर लेगा मैन। शेट शेट, इसने अपने आपको प्रोटेक्ट कर लिया यार। ओके चलो जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं फिर से यूज़ करूँगा गाइस एक्सपेंडिंग फोर्स एंड इस बार ये बचेगा नहीं ब्रो। गार्डिवर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, देखते हैं वन शॉट में। वन शॉट बोल्टे अगेन गाइस। गाइस मैं तो एस केचम को आज बहुत ही आराम से अभी तक हरा रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों की चूज किए ही पोकेमन है, आप लोगों का चूज किया ही पोकेमन है ये गाइस। लुकारियो वर्सेस लुकारियो करते हैं, चलो गाइस अब मजा आने वाला है ब्रो। लुकारियो वर्सेस लुकारियो, हाँ मैं गाइस अभी रख सकता था गाइस गार्डियोवर को, ठीक है यार, क्योंकि ये लुकारियो स्टील फाइटिंग टाइप है एंड गार्डियोवर को रखते हैं तो यार ओपोजिंग लुकारियो को, मतलब एस के लुकारियो को काफ़ी फटका पड़ता, बट नहीं मुझे तो ऐसा ही फाइट करना है इसके साथ। एंड आई एम गोना यूज गाइस ग्राउंड टाइप मूव दैट इज प्रेसिव ब्लेड्स या ऑरा स्प्रेयर यूज कर रहे हैं। क्या मेरा लुकारियो इसके ऑरा स्प्रेयर को संभाल लेगा? नहीं यार, एस केचम का लुकारियो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग है। ऑल राइट गाइस, मुझे अपने पोकेमन को नहीं यार लॉस करवाना है तो इसलिए आई एम गोना सेंड आउट गार्डियोवर। गार्डियोवर ने एक बार प्रूफ कर दिया सरफेच को उड़ा करके एक ही बार में, एंड आई थिंक लुकारियो को भी एक ही बार में उड़ा पाएगा। ओह नो गाइस, एक्सपेंडिंग फोर्स तो यूज़ कर रहे हैं, स्टील बीम। शिट गाइस शिट गाइस, नो गार्डियोवर इज फेंटेड मैन, बट लुकारियो को भी अच्छा वाला फटका ही पड़ा। गाइस चार्जर्ड को ही भेजना पड़ेगा मैन, देख रहे हो गाइस। एस केचम को यार कम मत समझना, ही इज फादर ऑफ यार ऑल पोकेमन ट्रेनर्स, ठीक है। वैक्यूम वेव ये मेरे ऊपर काम नहीं आएगा दोस्त, बट तेरे ऊपर ये इरप्शन काफी काम आएगा लुकारियो, क्योंकि तू एक स्टील फाइटिंग टाइप है एंड लुकारियो को मैंने हरा दिया, ठीक है। अब एस केचम किसको भेजेगा देखते हैं, चलो गाइस। एस केचम जी भेजिए अपने फोर्थ पोकेमन को, ड्रैकोविच। ड्रैकोविच राइट, मुझे राइचू को भेजना पड़ेगा गाइस ड्रैकोविच के अगेंस्ट। ये वाटर गाइस ड्रैगन है एंड अपना राइचू यार संभाल लेगा, देखते हैं ब्रो। प्लीज राइचू मर मत जाइयो, ठीक है। एंड एस केचम का ड्रैकोविच बहुत ही पावरफुल पोकेमन है गाइस, स्पेशली गाइस एस केचम वाला ड्रैकोविच बहुत पावरफुल है। व्हाट, ये क्या हो रहा है मैन? ये वाटर ड्रैगन ही है ना, फिशियस ड्रैगन ब्रो। राइचू जाएगा शायद। नो, मैंने बोला था ना गाइस यार एस केचम का यार ड्रैकोविच कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। एक्सोरस को भेजना पड़ेगा मुझे, मेरे भी गाइस तीन पोकेमन चले गए हैं, अब एक्सोरस को भेज रहा हूँ यार। एक्सोरस नाक मत कटवा देना, ठीक है। आई नो तू कर सकता है ब्रो, तुझे ड्रैकोविच को हराना पड़ेगा एंड तू हरा पाएगा, कम ऑन। ड्रैगन रश गया। ओह नो, अब मैं इसको कैसे हराऊंगा यार? अब मेरे पास सिर्फ दो ही पोकेमन है क्या? उफ, या तो आर या पार, स्वैम्पर्ड जा ले ब्रो। स्वैम्पर्ड को भरोसा कर रहा हूँ ब्रो, प्लीज स्वैम्पर्ड कुछ भी करके इसको उड़ा।
कुछ भी करके इसको उड़ा फिशियस रेन, प्लीज सर्वाइव कर लो दोस्त। नहीं यार, नहीं गाइस, क्या लगता है चार्जर्ड कर लेगा अकेला? नहीं करेगा ब्रो, यार एस कैचम को हरा पाना मेरे लिए दिक्कत तो है ब्रो। यूरिकेन यूज कर रहा हूं इसके ऊपर। क्या यार इसका फिशियस रन खत्म यार, एस कैचम ने मेरे को फिर से हरा दिया यार। यार गाइस तीसरा बार मैं एच कैचम के साथ हार चुका हूँ गाइस, यही तो है गाइस एस कैचम का पावर यार। ओ मैन गाइस ऐसे कैसे चलेगा यार, ओह शिट गाइस, चेंजेस 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 ब्रो। लुकाडियो को अपने टीम से निकालना पड़ेगा, मैंने बोला था कि जेनेसेक को भेजूंगा एंड यस गाइस आई एम गोना सेंड आउट जेनेसेक। ठीक है यस, और भी मेरे पास कोई खतरनाक वाला पोकेमॉन है क्या? डड्डीगॉन इज पावरफुल गाइस, मेरे पास एक्ट्रोविच है यार, मेरे पास और एक पोकेमॉन है इलेक्ट्रोजोल्ट, इसको भी मैं रख सकता हूं अपने टीम में, बट सोच ही नहीं पा रहे कि रखूं कि नहीं रखूं। नहीं 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 गाइस आई नीड टू मेक सम चेंजेस, हेक्सोरस इज नॉट फिट, हेक्सोरस को मैं नहीं रखूंगा एज ए ड्रैगन पोकेमॉन। ठीक है हेक्सोरस को नहीं रखेंगे, मुझे थोड़ा सा भरोसा फ्लाइगॉन के ऊपर है मैन, बट और एक देखते हैं गाइस, मेरे पास और एक काफ़ी कमाल का ड्रैगन पोकेमॉन था। आई थिंक गाइस ड्रैगन पोकेमॉन के लिए यार ड्रैगनाइट ही बेस्ट है, या हेड ड्रैगन को रख सकते हैं, मेरे पास हेड ड्रैगन था ना ब्रो, हेड ड्रैगन है कि नहीं मेरे पास? या गेबाइट है यार, नो नो नो, ड्रैगनाइट को ही रखेंगे ब्रो हेक्सोरस के अगेंस्ट। ओके समझ भी नहीं आ रहा है ब्रो, एस कचम को हराऊं तो हराऊं कैसे? चलो यार सेव करते हैं यार, एंड यार हाँ जेनेसेक को थोड़ा सा लेवल अप कर लेते हैं गाइस, चलो लेवल अप कर लेते हैं एंड देन गाइस एक मिनट यार बैक करते हैं, लेवल अप कर लेते हैं यार। ओ मैं कुछ भी सोच नहीं पा रहा हूँ यार, क्या कहते हो दोस्तों? इस बार एस द पोकेमॉन मास्टर, द पोकेमॉन गॉड ऑफ पोकेमॉन ट्रेनर एस कचम को लास्ट के लिए, लास्ट बार के लिए बहुत ही भयंकर टक्कर दें। तो चलो गाइस आई एम गोना ट्राई माय बेस्ट, बट और एक चीज मैं करने वाला हूँ, अभी मेरे टीम में जेनेसेक है इसीलिए गाइस, इसीलिए स्पेशली गाइस आई एम गोइंग टू डू ए वेरी स्पेशल थिंग, और वो स्पेशल थिंग है कि गाइस मुझे जेनेसेक को देना पड़ेगा एक मिनट, यहाँ पे है चिल ड्राइव, ये मुझे देना पड़ेगा इसको, क्योंकि गाइस अगर मैं चिल ड्राइव इसको दे दूंगा तो इसके पास जो मूव है टेक्नो ब्लास्ट, ये ना एक आइस टाइप मूव बन जाएगा। वैसे तो गाइस टेक्नो ब्लास्ट एक नॉर्मल मूव होता है, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये जेनेसेक आप लोग को मालूम है ना, जेनेसेक इज अ मैन मेड पोकेमॉन है, तो इसको हम लोग डिक्स ये ड्राइव डाल करके उसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ऑल राइट गाइस आई एम गुड टू गो, अब मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है, बट इट्स ओके गाइस, वी कैन डिफीट एस कैचम, लेट्स गो गाइस, वी विल डिफीट एस कैचम गाइस, मैं भी तो एक ट्रेनर ही हूं ना गाइस। ऑल राइट आई एम गोना गिव माई वेरी बेस्ट एस कैचम, आई लव यू सर, सर करके ही बोलेंगे, सर करके ही रेस्पेक्ट देंगे। अगर इस बार एस कैचम को नहीं हरा पाया ना तो यार क्या ही कर सकते हैं, तब आप लोग मेरे लिए एक परफेक्ट टीम चूज करना, ठीक है? ड्रैगनाइट, ऑल राइट गाइस ड्रैगनाइट इज हियर अगेन, इस बार मुझे एकदम अच्छी तरीके से सोच समझ करके बैटल करना पड़ेगा, ठीक है? जरा सा भी गलती कर देंगे तो बहुत गलत हो जाएगा, ठीक है? ऑल राइट आई एम गोइंग टू यूज गाइस आइस पंच, ऑल राइट ये ड्रैगन डांस यूज करे, चलो गाइस ये अपने अटैक को बढ़ा रहा है गाइस एस कैचम, आई एम गोइंग टू यूज आइस पंच, कम ऑन स्वैम्पर्ड, इस बार भी तेरे को यार एक ही बार में ड्रैगनाइट को उड़ाना है, वन शॉट बोल्टे, ओह वन शॉट नहीं बोल पाया गाइस, वन शॉट नहीं बोल पाए, ओह ड्रैगन क्लॉ यूज करा इस बार स्वैम्पर्ड के ऊपर, ओह स्वैम्पर्ड तो सह लेगा यार, बट स्वैम्पर्ड को अच्छा वाला फटका पड़ा, ठीक है? ओके शेल बेल है ना ड्रैगनाइट के ऊपर, इसलिए अपना एचपी थोड़ा सा इसने रेस्टोर करा। ऑल राइट गाइस ड्रैगनाइट को मैंने इधर हरा दिया हूँ, ठीक है? ओके अब गाइस ये सर्फ एच को ही भेजेगा, एस कैचम सर्फ एच को भेजेगा, तो कोई उल्टा पुल्टा पोकेमॉन नहीं, डायरेक्ट गाइस गार्डियोवर को भेजना पड़ेगा, ठीक है? सिर्फ गार्डियोवर ही गाइस सर्फ एच को एक ही शॉट में उड़ा पाएगा, एंड मुझे भरोसा है गाइस गार्डियोवर के ऊपर, ठीक है? कम ऑन गार्डियोवर तुम कर सकते हो यार, प्लीज यार, आपने सारे के सारे भाई लोग देख रहे हैं यार, ये मेरा फोर्थ नंबर ट्राई है गाइस, देखते हैं गाइस। ओके आई एम गोइंग टू यूज
साइकिक ने एक्सपेंड साइकिक यूज करते चलो गाइस ओके गार्डियन ओवर यूज साइकिक ओके 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 वन शॉट बोल्ट है बहुत ही बढ़िया गाइस मैंने सरफेज को वन शॉट में उड़ा दिया हूँ अब गाइस एस केचम अपने तीसरे पोकेमॉन ड्रेको वीच को भेजेगा नहीं लुकारियो को भेजेगा इस बार गलत नहीं करना है गाइस लुकारियो के अगेंस्ट आई एम गोइंग टू सेंड आउट गाइस चार्जर एक भी गलत करेंगे तो यार मेरे पोकेमॉन को खतरा हो सकता है ठीक है मेरे पोकेमॉन को खतरा हो सकता है तो इसलिए उल्टा पुल्टा चीज नहीं करना है गाइस आई एम गोइंग टू गिव द बेस्ट मुकाबला टू एस केचम ठीक है ऑलराइट लुकारियो इज हियर एंड चलो गाइस इरप्शन यूज करते हैं ये स्टील बीम यूज कर रहे हैं ओ प्लीज सह लेना यार चार्जर्ड मेरे भाई सह लेना स्टील बीम को यार ओ यस गाइस चार्जर्ड ने सह लिया बट लुकारियो बचेगा नहीं लुकारियो को ऑलरेडी गाइस एचपी आधा हो चुका है अब मैं इरप्शन मारूंगा एंड गाइस ये उड़ जाएगा एंड इसी के साथ गाइस मैंने एस केचम के तीसरे पोकेमॉन को भी हरा दिया हूं अब गाइस ये अपने सबसे खतरनाक पोकेमॉन ड्रेको वीच को भेजने वाला है तो ड्रेको वीच के अगेंस्ट गाइस मैं भी भेजने वाला हूं गाइस ड्रैगनाइट को अभी गाइस थोड़ा सा खतरनाक वाला बैटल होने वाला है लास्ट टाइम मैंने हेक्सोरस को भेजा था इस बार गाइस मैं ड्रैगनाइट को भेज रहा हूं अब थोड़ा सा ये बैटल खतरनाक होने वाला है ठीक है ड्रैगनाइट यार तेरे ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है बहुत सारे भाई लोग देख रहे हैं आज संडे मूड बना दो यार एक बहुत बढ़िया एपिसोड देना है अपने भाई लोगों को ठीक है आई एम गोइंग टू यूज ड्रैको मिटियोर ये आइस फैंग यूज करे शेट नो गाइस नो अब वन बाय वन करके मेरे सारे के सारे पोकेमॉन उड़ जाएंगे क्या लगता है गाइस मुझे नहीं पता गाइस क्या होगा जेनेसेक को भेजो क्या गाइस बस जेनेसेक को भेज के भी अभी कोई फायदा तो होने नहीं वाला है ओके गाइस मुझे अब गार्डियोवर को भेजना पड़ेगा गाइस मुझे अब गार्डियोवर को ही भेजना पड़ेगा गार्डियोवर ये फिशियस रैन यूज करेगा फॉर श्योर आई डोंट नो मैं क्या करूँगा यार मैं ना गाइस डेजलिंग ग्लीम यूज करूँगा इसके ऊपर फिशियस रैन प्लीज गार्डियोवर सर्वाइव कर लो शिट यार ये क्यों होता है यार क्यों होता है ऐसा यार बार बार क्यों हो रहा है गाइस ऐसा या तो आर या तो पार करना पड़ेगा ब्रो ड्रैको विच इज अ ड्रैगन टाइप पोकेमॉन एज वेल ठीक है जेनेसेक तुम्हें चैंपियन टीम में था ना ब्रो प्लीज प्लीज टेक्नो ब्लास्ट यूज कर नहीं बचेगा ब्रो नहीं बचेगा यार अरे यार ड्रैकोविच को मैंने हराया था यार ओह शिट गाइस अब मेरे पास दो ही चॉइसेस है चलो जी चार्जर्ड को ही भेजना पड़ेगा का गाइस मुझे डायनामिक्स करना चाहिए बिना डायनामिक्स का मैं हरा नहीं पाऊंगा आई थिंक आई शुड यूज डायनामिक्स ठीक है इसके ऊपर मुझे डायनामिक्स यूज करना ही पड़ेगा ब्रो मैं एस केचम को ऐसे नहीं हरा पाऊंगा यार चलो गाइस डायनामिक्स करते हैं फिर से मैं फाइट करूंगा गाइस बट एक बार देखते हैं क्या एस केचम मेरा डायनामिक्स चार्जर्ड को भी उड़ा देगा शिट यार मुझे नहीं लग रहा है कि एस केचम यार हारेगा यार एस केचम फिर से जीतेगा यार देखते हैं फिशियस रैन यूज कर रहे हैं ब्रो दिस इज नॉट इवन पॉसिबल यार गाइस ये पॉसिबल नहीं हो सकता गाइस ये पॉसिबल नहीं हो सकता ब्रो गाइस मुझे नहीं लग रहा है कि गाइस मैं एस केचम को हरा पाऊंगा यार चलो स्वैम्पर्ट को फिर से भेज रहा हूं गाइस आठ पावर यूज करते चलो फिशियस रैन अरे यार राइट शू तू जा ले यार नहीं बैटल कर पाएगा ब्रो नहीं बैटल कर पाएगा गाइस आज संडे को भी आप लोग को मैं अच्छा वाला एपिसोड नहीं दे पाया यार नहीं हुआ यार ब्रो नहीं हुआ शेट मैन गाइस नहीं हुआ नहीं एकदम नहीं हुआ मैन गाइस मुझे नहीं लग रहा है कि गाइस मैं एस केचम को ऐसे हरा पाऊंगा गाइस यार आई एम सो सॉरी यार आज के दिन भी मैं एस केचम को हरा नहीं पाया आई एम सो सॉरी गाइस आई एम सो सॉरी बट और एक बार यहाँ पे बैटल पे जा कर के देखते हैं गाइस
कौन सा वाला ट्रेनर आएगा मेरे साथ बैटल करने के लिए. लेट्स फाइंड आउट गाइस. नहीं गाइस, नहीं, एस कैचम को आज हरा नहीं पाया. एंड एस कैचम फिर से निकल भी नहीं रहे. आई एम सो सॉरी गाइस, आप लोग मेरे लिए एक अच्छा वाला टीम सजेस्ट करो. ठीक है यार, एस कैचम सीरियसली गॉड है यार. एस इज़ ए गॉड मैन, गॉड ऑफ पोकेमॉन ट्रेनर्स. ही इज़ ए ट्रू पोकेमॉन मास्टर यार. चलो गाइस मिलते हैं कल, देखते हैं गाइस. कल भी गाइस एस कैचम के साथ ही मैं बैटल करने वाला हूँ. आई एम गोइंग टू यूज़ द बेस्ट ऑफ पोकेमॉन्स यार. आप लोग देख पा रहे हो मैं कैसे कैसे पोकेमॉन को यूज़ कर रहा हूँ. स्टिल गाइस आई एम नॉट एबल टू डिफीट एस कैचम. इतना पावरफुल है गाइस एस कैचम यार. आप लोग प्लीज़ यार एक बहुत ही बढ़िया टीम यार मेरे लिए सजेस्ट करो, जिससे कि गाइस मैं एस कैचम के एक एक पोकेमॉन को उड़ा सकता हूँ. ठीक है यार, ड्रेकोविच को यार टैकल कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है यार. उसका ड्रेकोविच बहुत ज़्यादा पावरफुल है. बट गाइस मैंने ड्रेकोविच को हराया तो था बट अब तो हरा ही नहीं पा रहा हूँ यार. आज भी दो बार ट्राई किया. चलो गाइस यार मिलते हैं अगले एपिसोड में. बाय बच्चे के, सायोनारा.